चलिए पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग ड्रॉइंग ये फिटर और इलेक्ट्रिशियन दोनों के लिए होगा, जिसमें आज हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से आपके एग्जाम में रहेगा, कैसा? ड्रॉ द फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी व्यू का बात करते हैं, ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, या फिर आपका इस जगह में लिखा रहेगा ऑफ द गिवन फिगर, फिगर ठीक है, ऑफ द गिवन फिगर। क्वेश्चन को इधर उधर से घुमा के देखा है, उसको आपको समझना होगा। ये फर्स्ट एंगल में है, आपको देख सकता है थर्ड एंगल, थर्ड एंगल ठीक है। तो फर्स्ट एंगल समझते हैं, फिर थर्ड एंगल भी समझेंगे। साथ ही क्या रहेगा, ये तो है आपका गिवन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। क्या है? गिवन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, यानी ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, क्या रहेगा ये चीज दिया रहेगा, यानी ये क्या है? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। कभी कभी आपके क्वेश्चन में क्या देगा, कैसा देगा आपको? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया रहेगा आपको, उसके हिसाब से आइसोमेट्रिक निकालने भी देता है। तो जनरली अधिकतर क्या देता है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए ही देता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिया रहता है। इसी से लेकर के आज का क्वेश्चन हमारे यही है जो फर्स्ट एंगल में हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन में जाने से पहले फर्स्ट एंगल का जहां बात है, तो इससे इसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि इसमें कौन सा आपका फ्रंट है, कौन सा साइड है, कौन टॉप है। टॉप कौन सा? टॉप यानी प्लेन ऊपर ही रहेगा, ठीक है, टॉप यानी प्लेन। किताब में या क्वेश्चन में आपका क्या रहेगा? एक्स दिया रहता है और इस तरह से मतलब आपको इंडिकेट करेगा। तो एक्स से आपको समझना होगा, उधर से आपको क्या लेना पड़ेगा? फ्रंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां पर एक्स ना देकर के क्या करेंगे? फ्रंट लिख देते हैं, फ्रंट, ये आपका फ्रंट है, ठीक है। और ये आपका क्या है? साइन है, साइन। तो जनरली क्या होता है कि जो ज्यादा लंबा है उसको आप फ्रंट मानते हैं, कि जब फ्रंट यहां है, जब इधर फ्रंट है और आपको फर्स्ट एंगल में बनाना है, फर्स्ट एंगल में बनाना है, फ्रंट इधर है, साइड इधर है, तो कहां उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो बनेगा, ये समझना। लेकिन फर्स्ट एंगल का जहां बात है और थर्ड एंगल का, देखिए चार चतुर्थांश में हम लोग क्या कर देते हैं, उसको चार बॉक्स में हम लोग उसको बांट देते हैं। अगर फर्स्ट एंगल है, सबसे पहले फर्स्ट एंगल का हम लोग बात करते हैं, इसका बात करते हैं, कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस फर्स्ट एंगल में अगर फ्रंट यहां है, तो फ्रंट अगर आप मान लीजिए इस जगह में खड़े, आपके बाई साइड में है, या इस जगह से उसके ऑपोजिट साइड में बनेगा, मतलब कहां बनेगा? फ्रंट का जो व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू इधर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो साइड होगा, साइड इस साइड में है, तो उसका व्यू कहां बन जाएगा? उसका ऑपोजिट साइड में, यानी इधर बन जाएगा, ठीक है, साइड व्यू इधर हो गया। उसके बाद टॉप हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्रंट व्यू के नीचे ही टॉप व्यू होगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट एंगल का। अगर फ्रंट यहां है, यही चीज हम अगर चेंज कर दें, ठीक है, अगर हम इसको चेंज कर दें, इसको अगर साइड कर दें, साइड, और इसको अगर फ्रंट कर दें, फ्रंट बना दें, देखते हैं, और वो भी फर्स्ट एंगल बनाना है, तो कहां कौन सा व्यू बनेगा? ये फ्रंट है, फ्रंट का ऑपोजिट साइड में क्या होगा? ऑपोजिट साइड में क्या होगा? ये फ्रंट जो है उसके उल्टा साइड में होगा, यानी फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू इधर बन जाएगा, ठीक है।
साइड भी कहां हो जाएगा, इधर हो जाएगा इसके दूसरा साइड पे, ठीक है। सामने से जब आप देखेंगे तो सामने से ये सामने होगा अपना सामने, ये फ्रंट से अगर देखेंगे ये सामने होगा, तो साइड से फिर ये सामने होगा और उसको अपोजिट साइड में क्या होगा उसका व्यू तो बनेगा। आपको एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं कि ट्रिक यही है कि मान लीजिए इसका परछाई कहां बनता है, सामने अगर आईना है आप इधर है तो उसका अपोजिट साइड में उसका क्या बनेगा, उसका परछाई बनेगा। कंफ्यूजन में हमारा बीच वाला जो ये बांट रहा है, सबसे पहले आप परफ्यूम पे इसको देंगे, ठीक है। फर्स्ट में क्या करेंगे, इसको परफ्यूम करेंगे ऊपर में। तो अगर ये फ्रंट है और फ्रंट का व्यू बना रहे हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना रहे हैं, तो क्या होगा उसका ऑपोजिट साइड में होगा। तो ये मान लीजिए अगर यह है उसका ये आईना है तो शीशा से इधर दिखेगा, इधर पीछे दिखेगा, ठीक है, इधर दिखेगा। उसके बाद ये अगर इधर है मतलब इस साइड में अगर यहां था साइड, तो वो क्या करेगा, ये अगर शीशा लगा होगा तो उसका पीछे या फिर लाइट मारेंगे तो परछाई पीछे होगा। तो ये रहा साइड मान लीजिए अगर इधर रहता तो उसका परछाई क्या बनेगा, उसके पीछे यानी इधर साइड में होगी, ठीक है। और आप जानते हैं फ्रंट के नीचे क्या बनेगा, तो थर्ड एंगल में क्या होगा, मान लीजिए ये फ्रंट है, इधर से ही अगर फ्रंट है तो इस फ्रंट का आप सबसे पहले क्या था, फ्रंट का फर्स्ट एंगल में क्या था, उसका ऑपोजिट साइड में हो गया था, यानी क्या हो गया था उसका कहां बना था, इधर बना था, ये फ्रंट व्यू था किसमें, फर्स्ट का फर्स्ट एंगल में। वो कहां चला जाएगा, इस पर आ जाएगा, कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। और फ्रंट के नीचे क्या था, टॉप व्यू था, इधर साइड व्यू था, ये आपस में क्रॉस टेन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, जगह को चेंज कर लेगा आपस में इस तरह से यहां पर, ठीक है। कैसे, फ्रंट व्यू अगर थर्ड एंगल बना, फ्रंट व्यू अगर यहां है और फ्रंट इस साइड में है तो ये फ्रंट कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, फ्रंट व्यू यहां आ जाएगा, तब ये जो खाली जगह था खाली बॉक्स को यहां बनेगा, ठीक है। बाकी टॉप व्यू यहां चला जाएगा, टॉप व्यू ये हो गया और ये साइड व्यू ये बन जाएगा, ये हो गया थर्ड एंगल, ठीक है। क्या हो गया, ये थर्ड एंगल हो गया। यही चीज अगर फ्रंट को क्या हो, अच्छा इसमें क्या मिला आपको, जो फ्रंट व्यू है कहां बना, नीचे वाला, ये जो बीच वाला लाइन हम आपको ट्रिक्स बताया था उसका उससे नीचे बन रहा है, ठीक है। फ्रंट व्यू यहां हो गया और क्या हो गया, टॉप व्यू भी ऊपर हो गया, फ्रंट और साइड इधर हो गया। देखिए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसका क्या बनाना है, आपको व्यू बनाना है, उसके लिए आपको आप क्या करते हैं, चार भाग में आप क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं पहले, ठीक है। ठीक है, ये हो गया चार चतुर्थांश में हम इसको बांध लिए, ओके। अब क्या है कि आपका फ्रंट कहां है, फ्रंट में ये, ठीक है, यानी एक्स ये है फ्रंट, ठीक है, इसको ले लेते हैं फ्रंट हो जाएगा ये साइड, चलिए।
तो सबसे पहले फ्रंट को देखेंगे तो इसका कहां बनेगा, परछाई यहां बनेगा, व्यू यहां बनेगा। तो इसका लेंथ कितना है, 60 है, तो इसका पूरा 60 ले लेते हैं। आप इसका पूरा 60 ले लीजिएगा। नीचे का बेस कितना है, 60, ठीक है। हाइट कितना है, टोटल हाइट 60, इस साइड से राइट साइड से, तो राइट साइड से इसका हम ले लिए 60 यहां तक ले लेते हैं पूरा। उसके बाद इसको पूरा घेर ले रहे हैं, ठीक है, इसको पूरा घेर दे रहे हैं, ये हो गया, ओके। क्या क्या दिख रहा है आपका, सबसे पहले तो ये भाग दिख रहा है जो ब्लैंक है, खाली है। उसके बाद क्या दिखेगा, ये प्रोटेक्ट भाग दिखेगा, ठीक है, ये ब्लैंक भाग और प्रोटेक्ट भाग। तो उसके लिए देखिए, यहां से यहां तक तो है, इधर से ऊपर से कितना, 30, तो ऊपर से आप 30 ले लीजिए, ऊपर से कितना लेंगे, 30 ले लेंगे, ये हो गया 30 का मार्क। और नीचे कितना जाना है, 30 जाना है, नीचे तक कितना जाना है, यहां से यहां तक 30 हो गया। अब इधर से क्या दिखेगा, ये भाग तो है, इधर से तो ये दिखेगा ही, तो उसके लिए क्या करना है, इसको भी यहां से ये जो 30 आधा आधा होगा, इसको खींचना है, ये हो गया। अब दिखेगा क्या, देखिए यहां से यहां तक दिखेगा, ये त्रिभुज आकार दिखेगा, तो उसको इस पॉइंट से नीचे का कॉर्नर, इस पॉइंट से नीचे का कॉर्नर को मिला, तो क्या करेंगे, मिला देंगे, हो गया। ये बन गया ये डॉटेड वाला और बाकी ये ब्लैंक वाला, और ऊपर क्या रहेगा, खाली, यानी जो जरूरत नहीं है उसको हम साफ कर देते हैं। ये दिखेगा आपका फ्रंट से, ठीक है। अब देखेंगे साइड से, साइड कहां बनेगा, फर्स्ट एंगल में यहां, तो साइड से क्या क्या दिखेगा, इसका बेस कितना, 30, बेस ले लीजिए उसका 30, ठीक है। और यहां से इसका टोटल हाइट है कितना, इस साइड से लेफ्ट साइड से 60, इसमें लेफ्ट राइट नहीं है, इसमें क्या है, टोटल हाइट को देखेंगे, पहले तो यहां 30 उठा, फिर आगे जाकर के 30 उठा है, तो फुल हाइट कितना हो गया, 60, जो यहां से यहां तक है। हर एक लाइन एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन है आपस में, दूसरा, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन कहीं ना कहीं ये हो गया, ठीक है। और क्या दिखेगा, एक त्रिभुज दिखेगा, एक त्रिभुज दिखेगा छोटे वाला, और एक ऊपर में एक बॉक्स दिखेगा। तो ऊपर वाला बॉक्स पहले ले लेते हैं, कितना है, 30 का, कितना है ये, 30 का, तो 30 माप लीजिए, ठीक है, 30 का। उसके बाद इसको बीचों बीच से भाग कर दीजिए, बीचों बीच से भाग कर दिया, ये लाइन हो गया, इसी से संबंधित है, ये बीच से भाग कर दिया। अब दिखेगा क्या, नीचे में ये त्रिभुज दिखे, कहां से, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से यहां तक, तो उसको अलग कर दीजिए, हो गया। अब ये डॉटेड वाला हो गया, ठीक है, और ये ब्लैक वाला हो गया, क्लियर। अब तो मैं, अब कुछ दिखेगा, सॉरी, साइड से अब कुछ दिखेगा, साइड से अब कुछ नहीं दिखेगा, अब देखना टॉप को, यानी प्लेन को, टॉप कहां बनाना है, फ्रंट के नीचे, फ्रंट के नीचे, ये हो गया, ठीक है, फ्रंट के नीचे टॉप बनेगा। अच्छा, टॉप बनना है तो इस बेस पे भी, इसका जो बेस है यहां से यहां तक, इसका भी क्या होगा, यहां से यहां तक होगा, वो दिखेगा, तो उसी से नीचे, और इसका चौड़ाई कितना है, 30, कितना है, 30, तो 30 ले लेना, इधर से 60 का आधा, ठीक है। उसके बाद यहां से आपको इसको ले देना है,
है, यहां पर 60, यहां पर 60, ये 60 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको बंद कर दीजिए, ये हो गया बंद। अब क्या करना है कि देखना क्या क्या दिखेगा। सबसे पहले लेफ्ट साइड से देखिए, ये एक बॉक्स दिखेगा 30 का और बचेगा कितना 30, ठीक है। यानी बीचों बीच से ये जो लाइन है आप देखिए, इस लाइन से संबंध कुछ बना, यानी उसी से मिलकर हुआ नीचे तक आ जाएगा। इधर का 30 अलग हो गया, इसमें कुछ नहीं, लेकिन इस 30 में दो त्रिभुज, एक खाली वाला और एक क्या है डॉटेड वाला। कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक कटा हुआ, मतलब कैसा है इस तरह, ठीक है, हो गया। अब ये खाली वाला हो गया और ये क्या है डॉटेड वाला। चलिए पहले बन गया, आपको अभी डाइमेंशनिंग करना है, जितना जरूरत हो उतना रख के जितना जरूरत है उतना रख के क्या करेंगे हम लोग, इसको डायमेंशनिंग कर देंगे। तो किसका कितना माप है, ये यहां से यहां तक कितना है 30, तो यहां से यहां 30 है, अलग अलग कर सकते हैं आप, क्योंकि उधर जगह नहीं है, तो यहां से आप यहां तक कर दीजिए, पूरा कितना होगा 60, कितना है 60, कितना है 60, यहां से यहां तक भी कितना है पूरा 60, ओके। अब यहां से यहां तक कितना है 30, कितना है 30, ठीक है, और इसका भी कितना है आप उसको दर्शा सकते हैं, ऊपर दे सकते हैं, वहां जगह नहीं है तो आप यहां पर भी दे सकते हैं, ये 30, ठीक है। सारा चीज आ गया, जो जरूरत नहीं है उसको साफ कर देना। तो ये रहा दिया हुआ गिवन जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, उस प्रोजेक्शन का ये ऑर्थोग्राफिक।